back. We are back again with class 4, chapter number 11, tables and shares. Welcome everyone to my channel. So aaj hum solve karenge class 4 ka chapter number 11, tables and shares. Right? Usse pehle video start karne se pehle mera channel zarur subscribe karna, because aapko bahut sare videos is tarah ke milenge. In future aapko kisi aur tarah ke videos chahiye kisi aur subject ko leke, to wo bhi aap mereko comment kar sakte hain. Right, so let's get started. Shama's garden. Shama ne kuch sunflowers lagaye hain, rose gold lagaye hain aur marigold plants lagaye hain. Ye aap dekh sakte ho, ye jo plants hain ye hain roses, right? Ye hain sunflowers aur ye hain marigold. See how I planted 18. उसने 18 plants, हर एक flower bed में 18 plants लगाए हैं. ठीक है? वो कह रही है कि देखो मैंने किस तरीके से लगाए हैं. अब हर एक में, I'm so sorry. हर एक bed में अपना अलग-अलग arrangement है. देखो अब इस first वाले में क्या है? फर्स्ट वाले में स्ट्रेट इस तरह हैं, इसमें सेकंड वाले में तीन तीन करके सिक्स रोज में लगाए हैं, थर्ड वाले में इस तरह डबल रोज में लगाए हैं. राइट, वो कह रही है सी हाउ द रोजेज आर प्लांटेड. अब वो कह रही है रोज़ देखो कैसे प्लांट किए हैं. थ्री फ्लावर एक रो में है, तो 16 × 3, सो देर आर 6 × 3 18, सो देर आर सिक्स रोज विद ईच प्लांट्स ईच. वो कहती है अब आपको बताना है कि सनफ्लावर और मैरी गोल्ड किस में किस तरह लगे हुए हैं. अब देखो हम पहले ये वाले देखते हैं, ये किस तरह लगे हैं. ये सारे 18 के 18 वन रो में लगे हैं, तो वी विल राइट एक सेकेंड. सो वी विल राइट 1 × 18 वन रो, एक में ही 18 लगे ना, सो देर इज़ अ वन रो विद 18 प्लांट्स. और दूसरी वाली किस अकॉर्डिंग लगी है, देखो दूसरी लगी है टू रोज में 9 प्लांट्स ईच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो वी विल राइट 2 × 9, सो देर आर टू रोज विद 9 प्लांट्स ईच, 2 × 9 18. वो कह रहे हैं आप भी अपना गार्डन बना सकते हैं, ड्रॉ गार्डन शोइंग फ्लावर बेड्स. 48 प्लांट्स का अब हमें बनाना है, तो वो कह रहे हैं किस तरह बनाओगे. मैंने जो बनाया, आई मेड अ गार्डन विद फ्लावर हैविंग 6 रोज एंड 8 फ्लावर्स इन ईच रो. अब किस तरह 6 रोज बना दी, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लांट्स लगाए. या फिर आप किस तरह कर सकते हो, 12 प्लांट × 4 रोज भी कर सकते हो, या 16 प्लांट्स × 3 रोज भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे. उसके बाद है जार्स इन द शेल्फ. वो कह रहे हैं भीमा ने ये शेल्फ पे 30 जार्स रखे हैं, काफ़ी लंबी शेल्फ है जिसमें दो रोज बनाई और उसमें सेम नंबर के जार्स लगाए. क्या कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज के आप भी अलग वे में शेल्फ पे जार्स रख सकते हो. तो मैं लिखूंगी येस, अ शेल्फ कैन बी मेड विथ 3 रोज टू कीप 10 जार्स इन ईच रो. अब जैसे इसने ये 2 रोज बनाई है, मैं इसी तरीके से 3 रोज बनाऊंगी और 3 पे एक एक जार रखूंगी. मतलब यहाँ पे जहाँ पे इसने 15 लगाए हैं, मैं इसकी जगह 10 लगाऊंगी, तो टोटल कितना आ जाएगा, 30 जार्स हो जाएंगे. अब वो कह रहे हैं एक शेल्फ आप ड्रॉ करो, शो हाउ मेनी जार्स विल यू कीप इन ईच रो, हाउ मेनी रोज आर देयर. अब मैं इसका बताती हूँ इसमें हमने क्या किया. एक सेकेंड. हाँ, इसके बाद आप ये लिख सकते हो, शेल्फ कैन बी मेड विथ 3 रोज टू कीप 10 जार्स इन ईच रो. अदर वेज टू कीप जार्स आर, ये भी रख सकते हो, 5 रोज में 6 जार्स रख दो, या 6 रोज में 5 जार्स कर दो, तो वो इक्वल आंसर आएगा. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. ड्रॉ शेल्फ, शेल्फ बनानी है, देखना आपको कि कितने जार्स आप उस पर रख सकते हो. मैंने लिखा अ शेल्फ कैन बी मेड टू कीप 60 जार्स. ठीक है, एक शेल्फ बनाएंगे जिसमें हम 60 जार्स रख सकते हैं. के किस तरह के अरेंजमेंट्स रख सकते हैं, 10 रोज़ हो सकते हैं जिसमें 6 जार रखे, या 6 रोज़ हो सकते हैं 10 जार्स की, 5 रोज़ हो सकते हैं 12 जार्स की, 12 रोज़ हो सकते हैं 5 जार्स की, या 20 रोज़ हो सकते हैं जिसमें 3 जार्स हो. तो अब जब भी आपको क्रॉस चेक कैसे करना है, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे, 20 × 3 = 60, 12 × 5 = 60, 5 × 12 = 60, 6 × 10 = 60, 10 × 6 = 60, तो इस तरीके से आपको आ जाएगा. ठीक है, तो ये एक टेबल की ट्रिक भी होगी. अब वो कह रहे हैं टेबल 2 का टेबल देख रहे हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 4 2s are 8, इस तरह करा है. अब इसी तरीके से इन्होंने 5 का टेबल भी बनाया, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 3 5s are. अब वो कह रहे हैं 7 का टेबल भी इस तरह आ गया, वो बना दिया. अब इसमें करना क्या है टेबल्स में,
ये नंबर ऐड करते जाना है, जैसे 2 में 2 ऐड किया 4 आ गया, 4 में प्लस 2 किया 6 आ गया, 6 में 2 ऐड किया 8 आ गया, 5 में 5 ऐड किया 10 आ गया, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25। अब इसी तरह 7 में क्या करेंगे, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 7 35। तो इस तरह 7 7 ऐड करके ये आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं हेल्प बंटी। अब बंटी ने 7 का टेबल बनाना है यूजिंग टेबल्स ऑफ 4 एंड 3। अब देखो, अब आप इसमें सेकंड चीज़ आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। हमने ये दोनों टेबल्स लिख लिए। अब 7 का टेबल खुद से कैसे बन गया, 2 और 5 का नंबर ऐड किया तो क्या आ गया 7, 4 और 10 ऐड किया तो 14, 6 और 5 ऐड किया 21, 8 और 20 ऐड किया 28, 10 प्लस 25 35, 12 प्लस 30 42। तो इन दोनों, ये वाले जब इन दोनों को ऐड करोगे, ये नंबर और ये नंबर को, तो आ जाएगा 7 का टेबल। मतलब 5 प्लस 2 कितना होता है 7। तो इस तरीके से जब आप उनके टेबल्स भी ऐड करोगे तो आपको 7 का टेबल मिल जाएगा। अब वो कह रहे हैं इसी तरीके से आपने 7 का टेबल बनाना है यूजिंग टेबल्स 4 एंड 3। तो हम यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, 4 इंटू 4, 4 टू 8, 4 का टेबल ही हमने लिख लिया इस तरह, ठीक है। उसके बाद 3 का टेबल लिख लिया, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। अब 7 का टेबल किस तरह बनेगा, हम ऊपर वाले 4 और 3 के टेबल को ऐड करेंगे, 4 प्लस 3 7, 8 प्लस 6 14, 12 प्लस 9 21, 16 प्लस 12 28, 20 प्लस 15 35। तो इस तरीके से जब आप ये सारे नंबर्स ऐड करोगे तो आपको 7 का टेबल मिल जाएगा, राइट। 40 प्लस 30 70। तो इस तरीके से आएगा। वो कह रहे हैं विच टू टेबल्स विल यू यूज़ फॉर राइटिंग द टेबल ऑफ 12। हम इसी तरह 4 और 8 का टेबल भी अगर ऐड करते हैं, 4 प्लस 8 12 आता है, तो उसका भी अगर टेबल करेंगे तो इसी तरीके से आ जाएगा 12th का टेबल बनाने के लिए, राइट। अब हमें वो कह रहे हैं कि कैट्स देखनी है कितनी है। कुछ गायत्री की कैट्स हैं जो बॉक्स में खेल रही थी, जब उसने काउंट करना शुरू किया तो उसकी वो लेग्स से काउंट कर रही थी, बट उसमें लेग्स कितनी काउंट की, 28 लेग्स थी। तो वो कहते हैं अब देखना है कि कितनी बॉक्सेस में, कितनी कैट्स हैं बॉक्स में। अब 8 लेग्स मीन्स वो कह रही है 2 कैट्स, 12 लेग्स मीन्स कितनी कैट्स। अब आप कैट को, डॉग को देखोगे, सबकी 4-4 लेग्स होती हैं, तो अगर टोटल 8 लेग्स हैं तो कितनी कैट हुई, 2 कैट्स, क्योंकि 1 कैट की 4 लेग्स और 2 कैट की 8 लेग्स, 4 प्लस 4 8। तो अब इसी तरीके से वो देख रही हैं कि हाउ मेनी लेग्स, 4 पे 1 है, 8 पे 2 है, 12 पे कितनी होंगी, 3 कैट्स, प्लस 4 कर दिए 16, तो +1 4 कैट्स, 20 लेग्स कितनी कैट्स की होंगी, 5 की, 24 6 की, 28 7 की, ठीक है। सो 28 लेग्स मीन्स कितनी कैट्स हुई, 7 कैट्स। बिल्लू ने एक चिकन रखा हुआ है अपने बॉक्स में, उसने 28 लेग्स कैट की काउंट करी, हाउ मेनी चिकन्स आर देयर। अब चिकन की लेग्स कितनी होती है आपको बताना है, कितनी होती है चिकन की लेग्स, होती है 2 लेग्स। सो 28 लेग्स मीन्स कितनी हुई, 28 डिवाइड बाय 2, मतलब कितना, 14 चिकन, ठीक है। लीला स्कूल नहीं गई 21 डेज से। अब आपको बताना है कि वो कितने वीक से स्कूल नहीं गई। अब आप बताओ एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7, तो 21 डेज के लिए नहीं गई, मतलब 21 डिवाइड बाय 7, तो 7 3s are 21, सो फॉर 3 वीक्स शी वॉज अवे फ्रॉम स्कूल, ठीक है। हाँ तो ये लिख दिया मैंने, हाउ मेनी डेज, 7 14 21 वीक्स, 1 वीक में 7 डेज, 2 वीक्स में 14 डेज और 3 वीक्स में 21 डेज। जंपिंग एनिमल आपने याद है अपने 3rd क्लास में हमने करा था, वो एक फ्रॉग वाला था जो जंप करता जाता है ऐड ऑन करके, उसी तरह है। अब हमें काउंट द जंप्स ही टेक्स, अब वो कह रहे हैं उसी को हमने जंप कराना है फ्रॉग को। वो एक टर्न पे 3 स्टेप्स लेता है, तो उसने 27 तक जाना है, तो वो कितने स्टेप्स लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। तो 27 divided by 3 भी कितना आया, 9। सो 9 जंप्स में वो जाएगा 27 पे। अगर उसने डैश जंप्स ली तो वो 36 पे है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट डिवाइड कर सकते हो, 36 divided by 3, क्योंकि 3 स्टेप्स ले रहा है एक बार में, तो 36 divided by 3 कितना आ गया, 12। सो आंसर आ जाएगा 12। अब इफ़ ही हैज़ एट 42, ही हैज़ टेकन कितने जंप्स, 42 divided by 3, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ 4 में से 3 माइनस किया 1, 2 नीचे गया 12, 12 में से 4 पे आया तो 14 जंप्स, ठीक है।
अब रैबिट ने 5 स्टेप्स लेने शुरू कर दिए 0 से, तो वो कितने टाइम पे 25 पे पहुंचेगा? सो 25 डिवाइड बाय 5, 5 जंप्स में ही रीचेस डैश आफ्टर टेकिंग 8 जंप्स। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 कितने हुए, कितने स्टेप्स? 40 पे पहुंचा। ही नीड्स डैश जंप्स टू रीच 55। 55 को डिवाइड करना है 5 से, तो कितने 11 स्टेप्स में वो 11 जंप्स में 55 पे पहुंच जाएगा। अब ये उन्होंने डिवाइड डिविजन के सम्स दिए हैं 28 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने ये देखो, ये मैंने आपको करके दिखाया हुआ, 28 को 2 से डिवाइड किया, 2 आया 1 पे, फिर 2 माइनस 2 0, 8 नीचे ले गए, 8 कितने पे आया? 4 पे, तो आंसर आ गया 14। और 48 डिवाइड बाय 4 ये रहा, 56 डिवाइड बाय 7 ये रहा, 66 ये रहा, ये और ये वाले, ये मैंने आपको सारे सॉल्व करके दिए हैं, आप इसी तरह एज इट इज़ लिख सकते हो, समझ के करना प्लीज़, कॉपी मत करना, राइट। उसके बाद सी शेल, ध्रुव लिव्स नियर द सी, वो समंदर के पास रहता है, वो कहते हैं चलो नेकलेस बनाते हैं 3 फ्रेंड्स को मिलके, ठीक है। वो सारा दिन मिला के वो सी शेल्स, शंख से होते हैं ना जो छोटे छोटे से, वो कलेक्ट करते हैं, और वो 112 सी शेल्स कलेक्ट कर लेते हैं शाम तक। और वो कहते हैं चलो नए नए तरीके से हम बनाते हैं, आई विल मेक अ नेकलेस ऑफ, वो कहता है मैं 28 शेल्स के साथ बनाऊँगा, कि क्या ये इनफ होगा कि नेकलेस जो मैं अपने फ्रेंड के लिए बना रहा हूँ। तो उसने क्या किया, एक नेकलेस में 28 शेल्स डाले। अब टोटल शेल्स कितने, 112, तो बचे कितने 84 शेल्स। नाउ ही हैज़ लेफ्ट विद 84 शेल्स। उसके बाद उसने फिर से 28 मोर और शेल्स लिए कि चलो एक और नेकलेस बनाता हूँ, मेरे पास शेल्स तो बहुत सारे पड़े हैं। तो अब उसने दूसरी बार भी जब बना दिया, तो 84 में से 28 माइनस किए, तो उसके पास कितने बचे, 56। अब वो कहता है अभी शेल्स तो और भी बचे हैं, तो चलो एक और नेकलेस बना लेते हैं। फिर उसने 56 माइनस 28 एक और नेकलेस बना दिया, तो कितने बन गए, 3। तो अब अभी उसके पास 28 और बच गए, तो उससे एक और बन जाएगा, तो टोटल कितने नेकलेसेस बन गए 112 शेल से, 4। ठीक है, एक ये बनाया 1, फिर ये 2, फिर ये 3 एंड फिर ये 4। वो कह रहे हैं आर दिस शेल्स इनफ फॉर मेकिंग नेकलेसेस फॉर ऑल हिज फ्रेंड्स? येस, द शेल्स आर सफिशियंट टू मेक नेकलेसेस फॉर ऑल ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स। अब कन्नू ने नेकलेस बनाया 17 सी शेल से, हाउ मेनी सच नेकलेसेस कैन बी मेड यूजिंग 100 सी शेल्स? अब कितने टोटल सी शेल हैं, 100, और किसने से बनाया, 17 से, तो एक नेकलेस के लिए, एक नेकलेस बनाने के बाद कितने बचे, 100 माइनस 17, 83। अब 83 से वो और भी बना सकता है, तो 83 में से सेकंड वाला वो कहता है चलो एक और बनाता हूँ, 83 माइनस 17, 66 और बच गए। फिर वो कहता है चलो एक और बनाता हूँ, 66 में से 17 माइनस किए, 49 बचे, अभी भी उसके पास खूब सारे शेल्स थे। फिर उसने फोर्थ भी बना दिया, फोर्थ बनाने के बाद 32 बचे, 32 के बाद फिर उसने एक और 17 सेल का माइनस करके बना दिया, 15 शेल बचे। अब उसके पास 15 बचे, तो 15 से तो एक नेकलेस पूरा बन नहीं सकता, तो इसलिए इसने कितने बनाए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो ओनली 5 नेकलेसेस कैन बी मेड यूजिंग 100 सी शेल्स। ठीक है, अब एक कार्टन में 85 सोप बार्स हैं। शेली ने पैक किए 338 सोप बार्स। अब कितने कार्टन्स चाहिए पैकिंग के लिए, टोटल देखते हैं चलो। नंबर ऑफ सोप दैट कैन बी पैक्ड इन वन कार्टन 85। 2 कार्टन में कितने होंगे, 85 इंटू 2 170। तो 3 कार्टन्स में कितने लगेंगे, 85 इंटू 3 255। 4 कार्टन्स में 340। तो हमारे पास कितने हैं, 338 सोप बार्स। तो उसको कितने कार्टन्स चाहिए होंगे, दस शेली विल नीड 4 कार्टन्स टू पैक 338 सोप बार्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं मनप्रीत वॉन्ट्स। मनप्रीत को 1500 सैक्स चाहिए, सैक्स समझ तो बोरी सीमेंट की घर बनाने के लिए। अब एक ट्रक जो है उसमें सिर्फ 250 सैक्स आ सकते हैं, तो वो ट्रक को कितनी बार आना जाना पड़ेगा कि उसके घर में 1500 चले जाएं, चलो देखते हैं। अब वन ट्रिप में 250 सैक्स, तो कितने बचे, 1500 माइनस 250, 1250 बच गए। फिर सेकेंड ट्रिप में वो उसने 250 और लेके गया, तो 1250 में से 250 माइनस के 1000 बच गए। थर्ड ट्रिप में फिर उसने 750 बच गए। फोर्थ ट्रिप में फिर गए 250 लेके, तो 500 बच गया। फिफ्थ ट्रिप में फिर लेके गया, तो 250 अभी भी बचे थे। तो सिक्स ट्रिप में फिर लेके गया, तो 250 के 250 एक बार में छोड़ाया। सो ही नीड 6 ट्रिप्स ऑफ ट्रक टू कैरी ऑल 1500 सैक्स ऑफ सीमेंट। 6 टाइम्स उसको आगे पीछे मतलब आना जाना पड़ेगा, ट्रिप लेना पड़ेगा, तब वो घर पे ट्रक के थ्रू अपने सारे सैक सीमेंट के रख के आएगा। उसके बाद है एक ड्राइवर जो है वो 500 रुपये लेता है ट्रिप के लिए। अब मनप्रीत कितने पैसे देगा उसको ट्रिप के लिए, सारे ट्रिप्स के लिए? ठीक है, एक ट्रिप के लिए कितने था, 500 रुपीज़।
और टोटल ट्रक टोटल ट्रिप्स कितने हैं? 6, तो 6 × 500 आ गया आंसर। फॉर 6 ट्रिप्स ड्राइवर चार्जेस 500 × 6 3,000 रुपीज़। ठीक है, अब गंगू की स्वीट। गंगू स्वीट बना रहा है, ईद का त्यौहार आ रहा है, उसने 80 लड्डूज़ बना दिए एक ट्रे में। ठीक है, अब छोटी बेबी आती है, वो कहती है मेरे लिए 4 लड्डू एक बॉक्स में डाल दो, मेरे को इस तरह छोटे छोटे 23 स्मॉल बॉक्सेस चाहिए लड्डू के। तो अब एक पैक में कितने थे? 4, तो 23 पैक्स के लिए कितने चाहिए होंगे? 23 × 4 कितना आ गया? 92 चाहिए होंगे उसको लड्डू। तो आर द स्वीट्स इन द ट्रे इनफ टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस? पर ट्रे में कितने थे अभी उन्होंने ऊपर बताया? 80, तो नो, 80 लड्डूज आर नॉट इनफ टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस, क्योंकि कितने चाहिए हमें? 92। और उसे कितनी स्वीट्स अभी बनानी पड़ेंगी? 92 उसे चाहिए, 80 वो बना रखे, तो 92 − 80 मतलब 12 लड्डू और बनाने पड़ेंगे, सो 12 मोर लड्डूज। अब वो कह रहे हैं गंगू हैज़ अ बिगर बॉक्स इन विच ही पैक्स 12 लड्डूज। अब एक और बॉक्स है जिसमें वो 12 लड्डूज पैक करता है, तो उसे उसके कितने पैक्स चाहिए होंगे सो दैट 60 लड्डूज पैक हो जाए? ठीक है, अब कि एक बॉक्स 60 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 पैक्स चाहिए होंगे उसे। अब नीलू 15 स्टोरी बुक्स अपनी क्लास में लेके आती है, 45 बच्चे प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, तो एक बच्चा मतलब अब शेयर करनी है सबको, तो 15 स्टोरी बुक्स कितने बच्चों में शेयर होगी? टोटल चिल्ड्रन 45, टोटल स्टोरी बुक्स 15, तो 45/15 मतलब हर एक बुक 3 किड्स में शेयर होगी, 3 बच्चे मिला के एक बुक पढ़ेंगे तब 15 स्टोरी बुक्स 45 बच्चे पढ़ पाएंगे। अब एक फैमिली है जिसमें 8 पीपल रहते हैं, उनको 60 kg वीट चाहिए हर महीने, तो हाउ मच वीट डज फैमिली नीड एक वीक के लिए? ठीक है, अब उन्हें मंथ के लिए तो चाहिए 60 kg, और वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज। इफ़ फॉर 30 डेज फॉर 8 पीपल 60 kg चाहिए वीट, तो 7 डेज के लिए कितनी चाहिए? 1 day need of wheat for 8 people is 60/30 दैट इज़ 2 kg। ठीक है, अब पहले हमें एक दिन के लिए देखना है, 30 डेज के लिए अगर 60 kg चाहिए तो 1 day के लिए कितनी चाहिए? 60/30। ठीक है, 60/30 कितना आ गया? 2 kg। तो 7 डेज के लिए कितनी चाहिए होगी? 2 × 7 मतलब 14 kg चाहिए होगी। ठीक है, अब अगर ये रज़िया को 500 रुपीज़ के चेंज चाहिए, कितने नोट उसको वापस लेने चाहिए रिटर्न में सो दैट उसको 500 रुपीज़ दे के उतने अमाउंट मिल जाए? अब 100 रुपीज़ के उसको कितने नोट्स चाहिए होंगे? 500/100 5 नोट्स। 50 रुपीज़ के 500/50 10 नोट्स 50 रुपीज़ के बना के 500 रुपीज़ बनाएंगे। 20 रुपीज़ के अगर 25 नोट्स आते हैं तो वो 500 बनाएंगे। तो इसलिए हमको क्या करना है? डिवाइड सबको 500/20 25 ऑल 5 रुपी नोट्स 500/5 100 रुपीज़। अब वो कह रहे हैं आपको 72 टमाटोज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 3 baskets में, हाउ मेनी टमाटोज विल बी देयर इन ईच? ठीक है, अब टोटल टमाटोज कितने? 72, टोटल baskets कितनी है? 3, तो 72/3 24, सो नंबर ऑफ टमाटोज दैट कैन बी कैप्ट इन ईच बास्केट इज 24, हैंस 24 टमाटोज विल बी देयर इन ईच बास्केट। अब उसके बाद वो कह रहे हैं देयर आर 350 ब्रिक्स इन अ हैंड कार्ट, एक हैंड कार्ट में 350 ईंटें हैं। विनोद फाउंड द वेट ऑफ अ ब्रिक टू बी एक ब्रिक का उसे 2 kg लगता है कि 2 किलो है, तो सारे ब्रिक्स का कितना होगा? 350 × 2 kg कितना आ गया? 700 kg। देयरफॉर वेट ऑफ 350 ब्रिक्स इज इक्वल टू 700 kg। ठीक है, अब चिल्ड्रन और ग्रैंडफादर की स्टोरी है। रशि, सीमा, मृदुल, रोहित और लोकेश ने ग्रैंडफादर से पूछा कि हमें थोड़े से पैसे दो, हमें फेयर के लिए जाना है। वो कहते हैं मेरे पास, दादाजी कहते हैं 70 रुपीज़ हैं पॉकेट में, कि आप बताओ किस तरह मैं शेयर करूं सब में इक्वली, अगर आप सही से बताओगे तो मैं आपको दे दूंगा। अब राशि और सीमा थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड वी नो हाउ टू डू 70/5। अब उसने क्या किया, 70 को 5 से डिवाइड किया, तो पहले क्या आया? 5 × 5 = 7 फर्स्ट आई गिव रुपीज़ 10 टू ईच वन ऑफ अस। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 70 में से 50 माइनस हो गया, 20 बचा, सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 5 × 10 रुपीज़। ठीक है, सबको 10 रुपीज़ दे दिए। उसके बाद 20 रुपीज़ था स्टिल लेफ्ट। राशि कहती है कि अब वो 20 रुपीज़ को कैसे कर सकते हैं
फाइव के टेबल में 20 का आता है 4 पे, तो अगर 4 रुपीज़ और सबको वो दे दें तो नाउ नथिंग इज़ लेफ्ट एंड ऑल द मनी इज़ डिवाइडेड इक्वली, सो ईच गेट्स 10+4 4 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से। अब वो कह रहे हैं मृदुल एंड लोकेश ड्राइंग 70 डिवाइड बाई 5 इन डिफरेंट वेज। अगर वो कहते हैं कि अगर मैं सबसे पहले 5 रुपीज़ सबको देता हूँ, ठीक है 5 रुपीज़ दे दिए, 5 इंटू 5 25 रुपीज़, उसके बाद उन्होंने 6 रुपीज़ दिए तो 6 इंटू 5 30 रुपीज़ हो गए। अब 15 रुपीज़ बचे हैं तो 15 कितने और देंगे, 3 रुपीज़ सबको और देंगे, 5 के टेबल में 15 कहाँ आता है 3 पे, तो सो आई एम लेफ्ट विद 15 रुपीज़। अब लोकेश ने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए, 5+6+3 करके सबको दे दिया, तो 14 रुपीज़ अभी भी बच गए। ठीक है, नहीं तो सबके पास कितना आ गया, 14 रुपीज़। अब वो कह रहे हैं अब आपको आंसर चेक करना है और मल्टीप्लाई योर आंसर बाय 5 एंड सी इफ यू गेट 70, इज योर आंसर करेक्ट। अब नाउ यू, वो कह रहे हैं अब हमें आपको खुद से एक मेथड यूज़ करना है जो आपको डिवाइड करना है 70 को 5 रुपीज़ से बाय एक, पहली बार में तो आपको 2 रुपीज़ देने हैं और दूसरी बार में 11 रुपीज़ देने हैं। अब 2 रुपीज़ करके हम किस तरह कर सकते हैं, 5 के टेबल में 5 टू ज़ा 10 तो 60 माइनस 10 2, तो इस तरीके से अब हम 7 टाइम्स अगर 2 रुपीज़ सबको देंगे, ठीक है तो आ गया 14 रुपीज़। उसके बाद अगर हम 70 को 11 मतलब 11 रुपीज़ देके करते हैं तो कैसे आए, 11+3। सो डिस्ट्रीब्यूशन विद, अब वो कह रहे हैं कैन यू स्टार्ट रुपीज़ 15 टू ईच, नहीं हम 15 रुपीज़ के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है 14 रुपीज़ करके ज़रूर दे सकते हैं, 11+3 कितना होता है 14। एक सेकेंड, तो इस तरीके से ये हो गया कंप्लीट हमारा। अब इस तरह वो कह रहे हैं ट्राई डूइंग दीज, ये आपको खुद से करना है, ये डिवाइड करके मैंने दिखा रखे हैं, आप इस तरह एज इट इज़ कर सकते हो। मीरा ने 204 कैंडल्स बनाई मार्केट में बेचने के लिए, शी मेक्स पैकेट ऑफ 6, हाउ मैनी पैकेट्स विल शी मेक, तो 204 डिवाइड बाई 6 कितना आया, 6 के टेबल में 18 आता है 3 पे, 2 रिमाइंडर 4 नीचे गया, 6 के टेबल में 24 कहाँ आता है 4 पे, तो आंसर इज शी विल मेक 34 पैकेट्स। इफ़ शी पैक्स देम इन पैकेट ऑफ 12 हाउ मेनी पैकेट्स विल शी मेक, तो 204 कैंडल्स का अगर 12 से डिवाइड करती है तो कितने 17 पैकेट्स बनाएगी। स्पोर्ट्स डे पे 161 चिल्ड्रन आर इन द स्कूल प्लेग्राउंड, वो 7 इक्वल रोज में हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन ईच रो, 161 डिवाइड बाई 7 तो कितना आया आंसर, चिल्ड्रन रिक्वायर्ड इन ईच रो इज 23, 7 टू ज़ा 14, 16 में से 14 माइनस किया 2 आ गया, 1 नीचे लेके गए 21, 7 थ्री ज़ा 21। अब स्टोरी प्रॉब्लम है, लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ क्वेश्चन इट, देर आर 3 क्रेट्स, ईच क्रेट हैज़ 24 बॉटल्स इन इट, ठीक है अब वो क्या क्वेश्चन बनाती है, दैट हाउ मेनी बॉटल्स आर देयर इन ऑल, गिवन 1 क्रेट हैज़ 24 बॉटल्स, टोटल बॉटल्स कितनी हुई 3 इंटू 24, तो टोटल कितनी होगी 72 बॉटल्स इन 3 क्रेट्स। अब ये कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और इनके स्टेटमेंट्स दिए, हमने इससे क्वेश्चन डेवलप करना है, ठीक है वो कह रहे हैं 8 पैक्स हैं राखीज़ के और हर एक पैक में 6 राखीज़ हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, हाउ मैनी राखीज़ आर देयर इन ऑल, तो अब आंसर क्या है, टोटल राखी कितनी है 6 राखीज़ हैं एक पैक में, तो एक पैक 8 पैक्स हैं, 8 इंटू 6 48 राखीज़, सो देयर आर 48 राखीज़ इन ऑल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 पैकेट्स ऑफ शुगर हैं, सौरभ हैड पेड 110 रुपीज़ फॉर ऑल द पैकेट्स, सो हम क्वेश्चन क्या रखेंगे, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ ईच पैकेट, तो आंसर क्या आ गया, प्राइस ऑफ ईच पैकेट इज 110 डिवाइड बाई 10, तो आ गया 11 रुपीज़। वो कह रहे हैं देर आर 35 स्टूडेंट्स इन 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 रोज, ईच रो हैज़ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो, ये हुआ हमारा क्वेश्चन कि कितने स्टूडेंट्स हैं हर एक रो में, तो 35 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना गया 5, तो हर एक रो में कितने हैं 1 2 3 4 5 5 5 5, तो देर आर 5 स्टूडेंट्स इन ईच रो। अब नेक्स्ट है हरी सीमा चिंकू और लक्ष्मी, ये चार जने गुवाहाटी जा रहे हैं, एक टिकट की जो प्राइस है वो है 62 रुपीज़, तो क्वेश्चन क्या हुआ, हाउ मच दे विल पे फॉर ऑल द टिकट्स, ठीक है तो 62 मल्टीप्लाई बाय 4 248, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 4, ईच टिकट कॉस्ट है 62, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 62 इंटू 4 248। 1 मीटर ऑफ क्लोथ कॉस्ट रुपीज़ 20, एक मीटर कपड़ा जो है वो 20 रुपीज़ का है, और लाल बैग ने कुछ कपड़ा खरीदा और उसने टोटल 140 रुपीज़ दिए, अब इस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, अब इस पर जो क्वेश्चन बनेगा वो यही होगा कि उसने कितना क्लोथ जो है वो खरीदा, हाउ मच
क्लोथ डिड ही बाय। तो अब हम चेक करेंगे एक मीटर कितने का, 20 रुपीज़ का। तो 140 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 7। सो ललबाग ने ही बॉट 7 मीटर्स ऑफ क्लोथ। ठीक है, तो अब हमने आंसर्स भी गेस कर दिए। इस तरह से आपका चैप्टर फिनिश होता है। वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को। राइट, सो आज के लिए इतना। आई विल कम अप विद द नेक्स्ट चैप्टर टुमारो। टिल देन एंजॉय योर सैटरडे एंड संडे। खूब सारी मस्ती करो। बाय बाय।